हेलो क्लास टेंथ, टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट थ्योरम विच इज आल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.4. ओके, एंड द थ्योरम इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या कहता है. बोलता है द रेशो, रेशो किसका, रेशो द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर वो सिमिलर हैं, ठीक है, अगर हम उनके एरियाज का रेशो निकालें, एरियाज का रेशो निकालें, तो वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. इसका मतलब जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर. ठीक है, जैसे हमारे पास ट्राइंगल हैं, प्रूफ करते हैं हम इसका. मैं बताता हूं कैसे है ये. सपोज हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझना और अपनी नोटबुक साथ में रखें, पेन नोटबुक, और साथ साथ नोट करते जाएं. ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं. क्या लिखते हैं, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, सपोज ए बी सी. तो क्या क्या रहा है, ये क्या कह रहा है. बोलता है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. तो अगर ये सिमिलर हैं तो ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ए सी अपान पी आर भी बराबर है. ठीक है, ये सब आप जानते हैं, ये बराबर है. और एंगल ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर, ये तो आपको पता है. बोलता है अगर इन दोनों का एरिया निकालूं, इन दोनों का एरिया निकालूं, मतलब अगर एरिया निकालूं एबीसी का और एरिया निकालूं पी के वार का, मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो, मतलब एरिया को डिवाइड कर दिया, वो होगा किसके बराबर, जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है, मतलब ए बी अपान पी क्यू के स्क्वायर के बराबर. ये मैंने एक लिया. उसी तरीके से बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर, उस तरीके से ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर, ये सारे बराबर होंगे. दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर एंड ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर, मतलब उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा उन दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो. बात समझ आई. अब हम करते हैं, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. गिवन क्या है हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी के वार, ये हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो सच दैट इससे क्या मिलेगा मुझे, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ए सी अपान पी आर, ये तो अब आपको जबानी याद हो गया होगा. ठीक है, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर. ठीक है, ये तो आपके लिए अब हलवा है. अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे हम ए एम एंड पी एन परपेंडिकुलर्स ऑन बी सी एंड क्यू आर. बी सी पे और क्यू आर पे दो परपेंडिकुलर बनाने हैं, दैट इज ए एम पी एन, ये दो परपेंडिकुलर्स बनाए मैंने. ठीक है, परपेंडिकुलर बनाया, दैट मीन्स ये यहां पे 90 डिग्री है, ये भी यहां पे 90 डिग्री है, ये यहां पे 90 डिग्री है, ये भी यहां पे 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी. टू प्रूव क्या करना है, शाबाश, अभी मैंने कहा आपको कि एरियाज ए बी सी, एरिया पी क्यू आर, अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया का हम क्या कर दें, रेशो निकालें, मतलब उनको डिवाइड कर दें, तो वो होगा ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर
बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर था, और ए सी अपान पी आर का स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान आपका होना चाहिए और साथ साथ आप नोट भी करते जाएं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं उनका हम एरियाज एरिया निकालते हैं। दैट इज एरिया किसका, एबीसी का, और एरिया पी क्यू आर का। इन दो ट्राइंगल्स का हम एरिया निकालते हैं सबसे पहले। तो देयरफॉर एरिया ए बी सी का सब जानते हैं आप, एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। तो 1/2 क्या है, 1/2 ही है। अब देखो भाई ए बी सी में बेस क्या है, बी सी, दिखा भाई बी सी, और हाइट क्या है भाई ए एम, ये जो मैंने ड्रॉ किया था ए एम। ठीक है, इसको रखते हैं फर्स्ट। एंड एरिया पी क्यू आर का फिर से वही फार्मूला, 1/2 बेस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, सीधा डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। 1/2 बेस इसकी क्यू आर, चेक कर लो, क्यू आर इसकी बेस और हाइट इसकी पी एन। इसको रखते हैं सेकंड। ठीक है, तो देयर फोर एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर, चेक कर लो किसके बराबर, 1/2 बी सी इंटू ए एम, 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। दिस वन कैंसल्स, बी सी अपान क्यू आर इंटू ए एम अपान पी एन। इसको रख दो जी थर्ड, इसको रखो थर्ड। अब आप एक चीज यहां पे नोट करेंगे, नोट करेंगे मतलब आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, हमें देखो पहला रेशो हमें प्रूव करना है ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर, मतलब इस एरिया जो एरिया निकल रहा है, एरिया का रेशो जो निकल रहा है, पहला बताना है हमने ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर बताना है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे ये जो बी सी अपान क्यू आर है ना, इसको मैं कोशिश करूंगा ए बी अपान पी क्यू बनाने का, ए बी अपान पी क्यू बनाने का। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास गिवन चीज है ये वाली, चेक कर लो, बी सी अपान क्यू आर किसके बराबर है, ए बी अपान पी क्यू। मतलब मैं इसकी जगह तो लिख दूंगा ए बी अपान पी क्यू बिना किसी टेंशन के। अब दूसरी बात है ए एम अपान पी एन, ए एम अपान पी एन, अगर ए एम अपान पी एन की जगह, ए एम अपान पी एन की जगह भी मैं क्या पुट कर सकूं, ए बी अपान पी क्यू, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये भी बन जाएगा ए बी अपान पी क्यू, ये भी बन जाएगा ए बी अपान पी क्यू, तो टोटल बन जाएगा ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली चीज तो मेरे पास गिवन है, ये वाली चीज तो मेरे पास गिवन है, इस वाली चीज को बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो नाउ शाबाश, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन वी गेट, दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ए बी एम और पी क्यू एन, चेक कर लो ए बी एम पी क्यू एन। इसमें सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बताओ जी क्यों, गिवन है ये, अभी मैंने बताया था एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में बराबर है। ठीक है, एंगल एंड एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू, देख लो ए एम बी पी एन क्यू दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी एम
इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी के वन, ये दोनों ट्राइंगल प्रूव क्या हो गई, सिमिलर। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गई तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एन, सॉरी क्यू एम, नहीं क्यू एम नहीं आएगा, हाँ बी एम अपॉन क्यू एन और ए एम अपॉन पी एन, ठीक है ये आ गया। तो यहां से मैं एक चीज निकाल के रखता हूं, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी के, जो चीज मैंने आपको कही थी, इसको रखो फोर्थ नाम, इसको रखो फोर्थ, चेक करो चेक करो, मैंने क्या किया देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये भी इसके बराबर, तो ए एम अपॉन पी एन मैंने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू। मैंने कहा था ना आपको, अगर मैं इस ए एम अपॉन पी एन की जगह में, इसकी जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू ले आऊं तो ये वाली चीज तो ऑलरेडी इसके बराबर है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मैं लिखूं देयरफोर, तो मैं लिखूं देयरफोर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इक्वेशन थर्ड बिकम्स क्या बनेगा, एरिया ए बी सी, ध्यान से, एरिया पी क्यू आर, बहुत ही आसान है ये, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर की जगह लिख दूंगा मैं ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। देखो इस वाले को मैं लिख देता हूं स्टार, क्योंकि ये मुझे यूज करना है, और इस ए एम अपान पी एन की जगह भी लिख दूंगा मैं कि ए बी अपान पी क्यू, यूज किया मैं, तो इसमें रीजन लिख देंगे हम यूजिंग, यूजिंग इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन यूज की हमने। तो यहां से क्या मिला मुझे, दिस इज इक्वल्स टू ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे मिल गई, ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर मुझे मिल गया, देखो ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर मुझे मिल गया। तो सिमिलरली यूज करेंगे इसको, देखो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये आपस में सारे एक दूसरे के बराबर हैं, तो अगर ये चीज तो आ गई, अगर ये चीज स्क्वायर के बराबर आ गई, तो सिमिलरली बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर भी हो, सिमिलरली ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे लास्ट में, हम लिख देंगे हेंस यूजिंग इक्वेशन स्टार यू गेट, तो दिया फोर आएगा मेरे पास, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर एंड ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये थी हमारी